नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है, यदि आप सपने में खुद को गुस्सा करते हुए देखते हैं किसी और को, या फिर किसी और व्यक्ति को देखते हैं गुस्सा करते हुए, तो ये सपना आपको क्या संकेत देता है। सपने में यदि आप गुस्सा करते हुए देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। ये सपना आपके लिए अच्छा संकेत होता है या फिर बुरा माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस सपने का आखिर क्या अर्थ होता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को गुस्सा करते हुए देखता है तो ये सपना उसके लिए अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आप अपने कार्यों में अपनी बुद्धि विवेक की वजह से सफलता हासिल करेंगे। अपनी कार्य क्षमता का उपयोग करके आप अपने जीवन में सफल होंगे। वहीं पर यदि आप किसी और व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति आप पे गुस्सा कर रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें जल्द ही आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन आपको उस कार्य में बाधा और कठिनाइयां भी आ सकती हैं। तभी आप उस कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं जब आप, लेकिन आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। और ये सपना आपको तब भी आता है जब आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और आप सपने में देखते हैं कि आप उस व्यक्ति से गुस्सा होते हैं या फिर गुस्सा करते हैं उस पे, तो ये सपना इस बात का संकेत होता है कि वो व्यक्ति आपके काफी करीब है और आप उससे काफी प्रेम करते हैं। ऐसा है यदि कोई दूसरा व्यक्ति आप पे गुस्सा करता है तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के लिए काफी खास है। इसलिए ऐसा सपना बुरा नहीं माना जाता है, ये एक अच्छा और सकारात्मक सपना होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।